और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देखो कुछ दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आपके वॉइस ओवर में क्या हो चुका है, आपकी जो वीडियो के अंदर वॉइस है वो सही से क्लियर नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखो इसी की वजह से मैंने जो है यहाँ पे फिफाइन कह लो या फिर फिफी फाइन कह लो, इसका मैं माइक मंगाया, मैंने फिफाइन का K669B ये मैंने माइक मंगाया है। और इस माइक का दोस्तों मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, साथ में इस माइक का रिव्यू भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। और इस माइक के अंदर दोस्तों ये माइक लेने का क्या मेरा मकसद है, आखिर मैंने यही माइक मैंने क्यों लिया, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या प्राइस है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो ये है वो माइक जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से इसको परचेज किया है सेल में, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होगी। लेकिन इसको मैंने पहले से इसको मैंने ओपन कर लिया था, इसको मैंने देख लिया था कि माइक कैसा है, और उसके बाद दोबारा मैंने इसको पैक करके और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स होगा, इस बॉक्स को यहाँ पर साइड में रखते हैं। इस तरीके से इसके अंदर ये बॉक्स आएगा फिफाइन टेक्नोलॉजी की तरफ से। लेकिन दोस्तों ये जो बॉक्स है बहुत ही गंदा था, इसको मैंने साफ किया है, उसके बाद आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये फिफाइन का दोस्तों K669B माइक है, और यहाँ पे पीछे की साइड आपको कुछ इस तरीके से इसका सील पैक होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सील पैक होगा। इसका सील पैक जो है मैंने इसको हटाया, सील ब्रेक किया इसका मैंने। इसके दोस्तों MRP की अगर हम बात करें तो ये 3990 का, यानी कि दोस्तों लमसम ये 4000 का ये माइक है। लेकिन दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से कितने का बाय किया वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इस बॉक्स को हम यहाँ पे खोलते हैं, और खोलने के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक मैनुअल बुक आपको दिखता है, जो कि दोस्तों इस माइक को कैसे यूज करना है वो सब चीज़ दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा माइक का, पैकिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है ताकि माइक में कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए पैकिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मिलता है स्टैंड मिलता है, जो इस पे हम माइक को जो है स्टैंड करेंगे। ये माइक का स्टैंड कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ऐसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर जो है इसको खड़ा करके इस पे माइक आपको लगाना है, ठीक है। माइक को माउंट करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, इस स्टैंड को भी दोस्तों हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को यहाँ हटाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, यानी माइक जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो माइक दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है ये वायर आपको दिखता है इस तरीके से, और ये माइक, बस इतना कुछ है, बाकी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इस बॉक्स को भी हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे कि ये जो माइक है इसके अंदर जो वायर है दोस्तों कम से कम काफी लंबा तार है इसका, और यहाँ पे इसका जो USB का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, USB को अच्छे तरीके से प्लास्टिक में इसको पैक किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये माइक मिलता है, यहाँ पे फिफाइन का यहाँ पे ब्रांडिंग भी दिया गया है, यहाँ पे देखने की कोशिश करो आप। और यहाँ पे एक वॉल्यूम कंट्रोलर, यहाँ पे जो है आपको बटन दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों आप जो है अपने वॉल्यूम को जो मैनेज कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी भी अगर आप माइक को यूज करोगे दोस्तों, तो इस माइक को कभी भी आप 50 पे रख के, ये पूरा 100 हो जाता है, लेकिन इसको आपको 50 पे रख के तब आपको इसके अंदर वॉइस ओवर आपको करना है। उससे क्या है कि आपकी वॉइस जो है अच्छा, मतलब क्रिस्पी वॉइस होगी आपकी, क्रिस्प होगा बहुत ज्यादा वॉइस में आपके, बहुत अच्छा आपको वॉइस लेगा, क्लियर वॉइस होगा, और बैकग्राउंड नॉइस को काफी हद तक ये जो है बैकग्राउंड के जो नॉइस है उसको काफी हद तक रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये माइक कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो एक चीज के अंदर कमी ये दिया गया है कि इसके अंदर जो है कवर होता है, अगर हम कभी फॉर टाइप का वर्ड अगर हम यूज करते हैं जिसकी आवाज में जो है एक हवा टाइप का निकलता है उसको रोकता है, तो वो इसके अंदर दोस्तों ये फॉर्म इसके अंदर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो माइक है दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है फ्रंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फिफाइन का ब्रांडिंग, इसके सामने से दोस्तों अगर आप वॉइस ओवर करोगे तब आपका माइक जो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। अगर दोस्तों आप ऊपर से बोलने की कोशिश करोगे या फिर पीछे से बोलने की कोशिश करोगे तो ये उस तरीके से आवाज को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कभी भी अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करो तो सामने से आप वॉइस को रिकॉर्ड करना और 50% पर रख के तब इसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद दोस्तों जो हमको स्टैंड मिलता है, इस स्टैंड के अंदर हम इसको माउंट करने वाले हैं। तो स्टैंड को दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर लगा के आपको स्टैंड को लगा लेना है। बाकी दोस्तों इसका जो पॉप फिल्टर वगैरह हो गया, जो लो ऑफ की जो आवाज आते हैं उन सबको रोकने के लिए जो दोस्तों अलग से मैं पॉप फिल्टर मैंने मंगवाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वार्निंग मैंने मंगवाया यहाँ पर इसका स्टैंड कह लो आप इसको। तो दोस्तों हमारा ये जो माइक है दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पे माउंट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे जो खड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इस वायर को अपने USB में प्लग करके, और यहाँ पर हम वॉइस ओवर को कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस माइक के अंदर क्या खास बात है दोस्तों, ये जो माइक है दोस्तों ये प्लग एंड प्लग इन वाला है माइक है, ठीक है।
मतलब कि दोस्तों इसको जो है आप जो है मतलब कोई भी आपको थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी इंस्टॉल नहीं करना, सीधा आप अपने सिस्टम में इसको प्लग करोगे और आपका वॉइस इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। कई लोग दोस्तों कहते हैं कि ये फोन के अंदर वर्क करता है, लेकिन दोस्तों फोन के अंदर ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपको फोन के अंदर काम करवाना है इसको, तो उसके लिए दोस्तों आपका ओपन कैमरा आपको यूज करना पड़ेगा। ओपन कैमरा अगर आप यूज करोगे तो उसके बाद ही दोस्तों आप जो इसको माइक को फोन के अंदर यूज कर सकते हो। देखिए हाँ, इसमें वॉइस आप सिर्फ सोचोगे कि ऑडियो वॉइस मैं कैप्चर करूँ तो वो ऑडियो वॉइस कैप्चर नहीं हो पाएगा, आप ओपन कैमरा से वीडियो ही कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो कि ओपन कैमरा में क्लैरिटी भी सही नहीं आता है मेरे ख्याल से, मैंने इसमें यूज भी किया है तो क्लैरिटी उसमें सही नहीं आता है। तो देखो बेसिकली ये जो दोस्तों यूएसबी माइक है, स्कूटर या फिर लैपटॉप अगर आपके पास तो आप इसको इजिली यूज कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखो जब मैं दोस्तों ये जो माइक मैंने मंगाया सिर्फ इतना ही मेरे इसके अंदर सब कुछ मेरे को मिला है। अब दोस्तों देखो मैं जो माइक जो मैंने अमेजोन पे मैंने माइक को देखा तो दोस्तों मेरे को ये वाला माइक पसंद आया, फाइनकट T669। और इस माइक का दोस्तों देखो पूरा जो सेटअप है पूरा इस माइक का कितना अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये मेरे को माइक जो पड़ रहा दोस्तों 3500 का पड़ रहा था, यानी 3500 रुपए का ये मेरे को माइक पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने उसको बाय नहीं करके मैंने इस माइक को मंगवाया है, इसलिए मंगवाया है क्योंकि दोस्तों ये मेरे को जो फ्लिपकार्ट पे 1400 रुपए का पड़ा है, अभी ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, तो आपको 1400 रुपए का पड़ेगा। अगर आप यही माइक अगर आप अमेजोन पे लेने जाते हो तो आपको ये 2200-2300 के आसपास पड़ेगा, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो वहां पर आपको 1400 रुपए का आपको ये माइक मिल जाएगा। अब दोस्तों देखो अलग से मैंने इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो पूरा सेटअप मैंने मंगा रखा है, पॉप फिल्टर मैं मंगवा रहा हूँ और इसका जो दोस्तों मैं स्टैंड मंगवा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों स्टैंड और पॉप फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों मेरा माइक जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो लमसम दोस्तों 2300-2400 के आसपास पड़ जाएगा। तो मैं क्यों 3500 रुपए देके खर्च करूंगा, मैं क्यों 3500 रुपए इसमें लगाऊ, मैं मेरे को माइक चलो सबको मिल गया, बाकी और भी चीजें हैं जो कि मेरे को सस्ते पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज दोस्तों मंगाने के बाद मेरा माइक कुछ इस तरीके से इसका सेटअप दिखेगा। तो वो सब चीज जब मेरे पास आ जाएगा तो पूरा मैं सेटअप करके तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो दिखने में कैसा लगता है। और थोड़ा ना एक अच्छा लगता है, लुक दिखने में अच्छा आता है, मतलब कि अगर आप स्टूडियो में ऐसा कुछ माइक लगाते हो तो दिखने बहुत अच्छा लगता है। और मतलब दोस्त वगैरह भी देखते हैं तो कहते हैं हाँ सेटअप तुमने अच्छा कर रखा है, तो ठीक है, इस वजह से बंदे वो ज्यादा खरीदते हैं। बाकी हमारा मेन यूज दोस्तों इस माइक का ही है, बाकी अलग से मंगवाना मैं आपको कहूंगा, अलग से मंगवाना, सबका लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अलग से मंगवाना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, कम प्राइस में आपको पड़ेगा। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही, बाकी दोस्तों अगर आपको इसका वॉइस अगर आपको सुना वॉइस क्वालिटी कैसी है, देखो वॉइस क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा या फिर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप देख लेना इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों मेरे इसी माइक से होने वाला है, बाकी आप वहां पर जाकर देख लेना कि वॉइस क्वालिटी मेरी कैसी आ रही है। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही, हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।